नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 59 प्लस हो चुकी है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। आगे इन्होंने लिखा है, रिटायरमेंट हो चुका हूँ, आगे की लाइफ कैसे रहेगी, मेरी वाइफ की हेल्थ कैसे रहेगी, मैं कोई बिज़नेस करना चाहूँ तो वो कैसा रहेगा। छोटा लड़का जो है वह कैनेडा में जा चुका है, लोन लेकर आगे वो स्टडी करना चाहता है, होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड है, जॉब उसे मिल चुकी है, पीआर कब तक होगा। इसके अलावा मेरी बेटी जो है वो उसने भी जो है एमएससी कर रखी है, उसके बाद जो है पीजी डिप्लोमा कर रखा है, उसे फार्मेसी में कंपनी में जॉब कब तक मिलेगी, उसकी शादी कब तक हो सकती है, गांव में एक घर है क्या, वहां पर मैं कोई आसपास कोई प्लॉट देख रहा हूं, क्या वो ले सकता नहीं ले सकता हूं, ये सब कुछ जानना चाहते हैं। अब देखो, आप सारी चीज़ें पता लगती हैं, मैं कभी भी मना नहीं करता कि एडवांस पामिस्ट्री में कोई चीज़ ना पता लगे, लेकिन टेक्निकल चीज़ क्या है। देखो, अगर आप ये कहते हो कि मेरे बेटे की जॉब, वो मैं बता सकता हूँ। अगर आप ये कहो मेरे बेटे ने एक एग्ज़ाम दिया है और वो जॉब और पीआर से रिलेटेड, वो भी मेरे को पता लग, लेकिन अगर जॉब चेंज कर रहा है वो पता लग जाएगा, लेकिन अगर कहो कि वो कितनी बारी जॉब चेंज कर रहा है तो नहीं पता लगेगा, याद रख लेना, उसके हाथ में पता लगेगा। जैसे आपके हाथ में कब कब क्या क्या हुआ, घर पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो सब कुछ आपके हाथ में पता लगता है। तो ऐसे ही व्यक्ति पिता है, हाँ, जब डिस्टर्बेंस आ रही है पता लग जाएगा, जब थोड़ा सा खुशी होंगे पता लग जाएगा, जब क्या है वो उस वक्त सब कुछ मेंशन हो जाएगा। तो बेटर रहता है कि जिस व्यक्ति का के बारे में ज़्यादा पूछना चाहते हो उसका हाथ दिया करो आप। लेकिन आपके लाइफ में कब प्रॉपर्टी से रिलेटेड कब क्या है, कब किसी के नाम पर करनी है, कब क्या है, वो मैं बता सकता हूँ। कब बिजनेस है, कब बच्चे की शादी है, वो मैं बता सकता हूँ, ठीक है। लेकिन और बाइफर्केट करके करना हो तो फिर आपको उसका हाथ दिखाना पड़ेगा, सबसे कहता हूं मैं, ठीक है। चलो एनीवे, अब आप देखो कि हम इन चीज़ों को पकड़ते कैसे हैं, समझते रहना। देखो, सबसे पहले मुझे बताओ, इस जगह पर कोई ऐसा साइन है जिसको मैं कह सकूं, कोई स्टडी के बाद कोई नौकरी से रिलेटेड चीज़ों को मैं कह सकूं, यानी यहाँ पर कुछ चीज़ों को देखना है। यानी आपने पहले क्या देखा, आपने देखा एक लाइन आ रही है, एक लाइन आ रही है, इस लाइन का कंसर्न इस लाइन के साथ है, ठीक है। ये तो हृदय रेखा का एक कंसर्न आ गया, यानी ये लाइन मेन है, इसको पहले पकड़ो। यानी पीछे से एक फैमिली से रिलेटेड एक लाइन आई जिसका संबंध 20 साल से है, समझते रहना, जिसका संबंध 20 साल से। अब 20 साल से पहले पहले इनकी लाइफ में क्या क्या घर हुआ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो सब मैं बता दूंगा, ठीक है। लेकिन इस 20 के बाद ही सारी चीज़ें ट्रायंगल्स बनने शुरू हुए हैं, ये सारी चीज़ें हुए हैं, तो यानी यहाँ पर जॉब है, यहाँ पर जॉब आई, यहाँ यहाँ तक तो पढ़ाई दिख रही है क्योंकि ये ट्रायंगल्स दिख रहे हैं यहाँ पर। ये 20 से 21 साल के बीच में एक जॉब है। देखो, ये किस लिए बताई थी मैंने, ये किस लिए बताया मैंने, जॉब के लिए बताया हुआ है, कोई काम के लिए बताया हुआ है। देखो, ये साइन को मैंने जॉब या काम के लिए बता रखा है, ठीक है। यहाँ पर इस लाइन पर ये साइन बना हुआ है, पहले ट्रायंगल बना था, एक डिस्टरबेंस आई थी पढ़ाई में, और उसके बाद एक कोई पेपर रह गया होगा या कुछ हो गया होगा, उसके बाद इस साल का इससे संबंध है। तो यानी 21 साल पर आपकी जॉब लग जाएगी, पहली बात, ठीक है। अब बात आती है हमारी कि इनकी लाइफ में हमने ये देखना है कि आगे जाकर कौन सी परेशानी आएगी इनको, जॉब में या किसी में, वो भी देखना है। ध्यान से देखना, एक कट का निशान लगाया था, यानी 21 ये 22 ये 23 पर एक कट का निशान लगाया, यानी 23 में इनकी जॉब में दिक्कत आएगी। लेकिन अगर ये ट्रायंगल नहीं होता तो इनकी जॉब भी बच नहीं सकती थी, पहली बात। ये जो छोटा सा साइन जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, पहले तो ये 24 साल का टाइम पीरियड है, 24 साल का टाइम पीरियड है, ये जॉब से रिलेटेड है, ठीक है, ये 24 साल है। लेकिन मुझे ना, आप नहीं पकड़ पाओगे, मुझे ये साइन को भी पकड़ना था। ये साइन क्या था, ये साइन, ये छोटा सा देख रहे हो, यूं करके यूं बना है, ये है 23.5 साल पर भाई या बहन को कोई दिक्कत आई होगी, ठीक है, ये
23.5 के करीब करीब में ही है, और इसी के बाद ये रेखा यहाँ पर आ रही है, यानी ये 24 है, ठीक है। तो यानी इसका संबंध इसके साथ है, तो यहाँ जॉब से रिलेटेड हो गया आपका, ठीक है, 24 में। अब देखो आपका ट्रांसफ़र या कहीं दूसरी जगह पर या कुछ वो कैसे होगा वो देखते हैं, ठीक है। देखो इस लाइन पर एक रेखा को टच करा गया, ठीक है, इस लाइन पर एक रेखा को टच करा गया, ये 26 साल है। अब ये एक साल है, एक प्रॉपर्टी थी, घर था, समझते रहो, विवाद था, सारी चीजें थी, ये एक मेन है 27 साल पर। यहां पर इनके फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम्स शुरू हो चुकी थी, एक्चुअल में वो फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम्स मैंने यहीं से पकड़ ली थी। मैंने यहीं से समझ आ रहा था मुझे कि कुछ ना कुछ होगा इनका आगे जाकर, घर पर, घर से रिलेटेड है ना ये एक्टिविटी, भाई एंड समथिंग है या नहीं, ये 27 साल का अपने नाम पर कोई ना कोई चीज़ कर ली होगी, ठीक है, ये चीज़ें वो हैं, ठीक। अब मैं आगे चल रहा हूँ इनकी लाइफ में। देखो ऐसे हाथों में जब ये ट्रायंगल बन जाएगा तो कोई घबराने वाली बात नहीं होती, यानी इसका मतलब ये होता है नौकरी में दिखते तो हैं लेकिन बचाव होता रहेगा। ये है 32वां साल, ठीक है, ये 32वां साल है। इसको मैं सीधा लाता हूँ तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी के निशान आ रहे, 31 से 32 साल के बीच में एक प्रॉपर्टी, ठीक है, 31 से 32 साल के बीच में एक प्रॉपर्टी, ये 32 साल है, ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, लेकिन मैं यही समझ गया था 32 से 34 साल के बीच में ना ये जो साइन आ रहा है, यहाँ तो थोड़ी सी दिक्कत आई लेकिन यहाँ पोस्टिंग से रिलेटेड ज़रूर कुछ होगा, पोस्टिंग से रिलेटेड। अब ये जो साइन आते हैं तो बीमारी के भी आते हैं, तो कोई ना कोई बीमार भी पड़ेगा, ये भी समझ आ गए, ठीक है। जब किसी भी एक रेखा पर कुछ भी देखते हो, मोटी देखते हो, कुछ भी देखते हो, तो उसको उस जगह पर थोड़ी सी दिक्कत ज़रूर आती है। देखो ये 32 साल था, ठीक है, ये 32 साल है, ठीक है, 31 और 32 के बीच में मैंने प्रॉपर्टी बोल दी, हेल्थ प्रॉब्लम आ गई, समझते रहना, हेल्थ प्रॉब्लम आ गई। और इसके अलावा ये जो 33 साल और 34 साल ये जो समय है, ये समय इनकी लाइफ में एक छोटे से ट्रायंगल की वजह से क्या करेंगे कि इनकी प्रमोशन या सैलरी बढ़ जाएगी, समझते रहना, ये भी समझ आ गई। चलो अब मुझे एक ऐसा साइन बताओ जो कि आपको लग रहा है कि बहुत गंदा है, आप मुझे बताओ। देखो कहाँ गया ये देखो इस जगह पर देखना है, ये साइन दो जनों का साइन है, ये तो नीचे तो आइसलैंड आया हुआ है, यहां भाई और पिताजी दो वर्ड डाल दो आप, भाई और पिता, यानी यहां हेल्थ प्रॉब्लम भी आएगी। नीचे ये देख लो, ये कट का निशान है ना, समझते रहना, 36 साल पर हेल्थ प्रॉब्लम पिताजी को, और 36 से 37 साल पर भाई से रिलेटेड भी दिक्कत आएगी। अब आप ध्यान से समझना रीज़न क्या होता है। जब भी पतले कोई भी साइन नीचे की तरफ चलते हैं, देखो जैसे यहाँ पर ये नीचे की तरफ से चल पड़ा, तो ये क्यों हुए पता है, ये क्या FD से रिलेटेड होते हैं, FD डॉक्यूमेंटेशन या समथिंग, इनसे रिलेटेड चीज़ें होती हैं। अरे ये समझ, इसे भी पकड़ना आना चाहिए। एनीवे अब मुझे बताना भाई वाला साइन यहाँ क्या कर रहा है, ये भाई वाले साइन क्या कर रहे हैं, ये इस जगह पर क्या कर रहे हैं, 39 साल पर ये क्या कर रहे हैं, यानी कोई ना कोई
भाई से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट होगी 39 साल पर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये साइन बनते हैं तो इनके मतलब होते हैं। ठीक है, पैसा दे दिया, वापस नहीं करा, एफडी तोड़वा दी, कोई और कारण हुआ, समझ रहे हो? अब देखो ध्यान से समझना, इस जगह पर आपको फोकस करना है। इसी जगह पर कुछ स्क्वायर और प्रॉपर्टी के निशान बन रहे हैं, बन रहे हैं, ये कंस्ट्रक्शन है। लेकिन कंस्ट्रक्शन को कैसे पहचानते हैं? कोई भी एक रेखा ऐसे घूमती हुई दिखाई देगी, वो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड होगी। तो 42 से 43 साल के बीच में मैंने कंस्ट्रक्शन बोला था इनका, क्योंकि तो ये साइन मुझे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ट्रायंगल बनाकर दिख रहा है। ठीक है, यहाँ कंस्ट्रक्शन भी हो गई। मैंने एक्चुअल में राहु को डाल चुका हूँ, मैं इनके घर पर राहु से डाल चुका हूँ। अब मैंने एक जगह बोला कि प्रॉपर्टी सेल या प्रॉपर्टी में दिक्कत, अब हुआ कुछ नहीं इससे रिलेटेड। एक नई चीज़ निकली कि छज्जा गिर गया था, समझते रहना, छज्जा गिर गया था, उसे बनवाना एंड समथिंग हुआ था, यानी प्रॉपर्टी जरूर आई थी उसमें। मैंने लिखा प्रॉपर्टी में दिक्कत, प्लस हुआ क्या कि वो किराएदार एंड देन उससे रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स आई थी। तो प्रॉपर्टी सेल करना या दिक्कत आना मैंने बोल दिया था। ठीक है, तो वो मुझे 45-46 पर दिखी थी। इसी साइन के बाद इस जगह पर प्रॉपर्टी से रिलेटेड ये जो एक साल जो ये बनाया हुआ है, इसी पर आइसलैंड आते हुए दिखाई दिए थे, और यहीं पर मैं समझ गया था ये प्रॉपर्टी है, इस पे सब कुछ कुछ ना कुछ है। तो ये है 45 और 46 साल। ठीक है, अब देखो एक ट्रायंगल आ गया ना, ये ट्रायंगल आ गया, ये 48 साल है। यहाँ ये चाह रहे थे कि मेरी पोस्ट, मेरी सैलरी थोड़ी सी ज़्यादा बढ़े, लेकिन ऊपर एनर्जी लेवल ख़राब था। होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, इस समय नहीं होगा। ये होगा तो कहाँ होगा? इस जगह पर होगा, इस जगह पर, यानी इस जगह पर तो नहीं होगा। 49-50 जैसे ही आएगा तो ये रेखा ने इस रेखा के साथ मिलकर तरक्की का साइन बनाया हुआ है। यहाँ इनकी जॉब से रिलेटेड प्रमोशन या समथिंग होगा। ये चीज़ समझ आ गई? अच्छा, अब बात कर लेते हैं कुछ साइन की जो इस जगह पर आ रही है। ये एक प्रॉपर्टी है और यहाँ दिक्कत है। ये पहले प्रॉपर्टी है, ये दिक्कत है। अब इसका मतलब 52 और 53 गांव वाली प्रॉपर्टी है जिसमें कोई दिक्कत आई है। 52 पर दिक्कत थी और 53 पर मैंने लिखा कोई बीमार भी पड़ेगा, यानी 51-52 पर गांव वाली प्रॉपर्टी जिसमें भाई की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए थी, और उसके बाद 53 साल पर फिर दिक्कत आएगी। अब यह क्या निकला, देखो क्या निकला ये सारी चीज़ें, कि 51-52 पर एक गांव पे प्रॉपर्टी जिसमें भाई रह रहा था, उसकी डेथ हो गई, एंड देन वो उसकी बीवी जो है वो घर बंद करके भाग गई, चली गई कहीं। तो मैंने यहाँ पर हेल्थ प्रॉब्लम और वो चीज़ें लिखी थी, बीमार तो हुआ था कोई, ठीक है, लेकिन ये प्रॉपर्टी भी निकली थी, गाँव वाली प्रॉपर्टी ही निकली जहाँ पर वो हुआ। तो देखो अब ये पिक्चर इतनी साफ नहीं होती ना, लेकिन लाइन कौन सी है, जीवन रेखा, और ये इसके पीछे से आ रही है, तो इट मीन्स कि यहाँ प्रॉपर्टी और कुछ ना कुछ जरूर निकलेगा। तो ये लाइनें जो पतली पतली बनती है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड बनती है। तो ऊपर भी समझ आता है, नीचे भी समझ आता है ये चीज़ों को देखकर। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई, चलो आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखना, इस जगह पर एक साइन बना है, एक पहले बॉक्स बना है, बॉक्स बना है, ये एक छोटा सा साइन है ऐसे और ऐसे। ये नहीं कह रहा अभी, ये नहीं कह रहा, ये कह रहा ये वाला कह रहा, ये है हमारा 54-55 पर कोई कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कुछ जरूर कराने का आपका मन था यहाँ पर। एक शायद कराया भी होगा, ठीक है, कराया भी होगा। अब मैं ऊपर जा रहा हूँ, ऊपर जा रहा हूँ। अब ध्यान से देखना, इन जगहों पर बच्चों की एक्टिविटीज़ आ जाएगी और सब कुछ हो जाएगा, समझते रहना। ये साइन आ रही है। एक साइन और दिखा है मुझे, वो भी दिखाता हूँ, बच्चे से रिलेटेड है और वो बाहर गया है।
ये जगह पर एक साइन ये, एक साइन ये, इसी के बीच में एक बच्चे का साइन और आया, ये देखो। है ये बच्चे का साइन है ये वाला, यानी यहां आप कुछ भी कह पाओगे। मैं बताता हूं यहां पर क्या है। देखो मैंने यहां पर दो चीजों को बाइफरकेट करा, पहले ये वाला साल जो होंगे बच्चों से रिलेटेड होंगे इनकी लाइफ में, और जो ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीजें बनी हुई हैं जो मैंने छोड़ दी थी उस वक्त आपको ये कहने के लिए कि इनका मतलब कुछ और है। मैंने यही कहा था ना, इनका मतलब कुछ और है, समझते रहो। ये है 57-58 पर एक प्रॉपर्टी है गांव वाली, समझते रहो, ये गांव वाली प्रॉपर्टी है। अब ये प्रॉपर्टी यूं करके क्या कर रही है कि ये प्रॉपर्टी पर ही कोई ऐसी बड़ी प्रॉपर्टी है गांव पर जिस पर कोई विवाद हुआ था या कुछ हुआ था, तो उन लोगों ने ये कैप्चर कर ली, अपने नाम पर करा ली, समझते रहो। ये विवाद की रेखा थी, मैं समझ गया था। देखो पार्टीशन या विवाद होता है तो ऐसे हो जाती है ना रेखा, इसमें से ये रेखा निकली है ना, तो मैं यही समझ गया था यहाँ पर ये है, समझते रहे। अब इन्हीं पर एक और साइन बना हुआ है, ये आइसलैंड, ये है कि वो लोग आपको उस जगह पर प्रॉपर्टी लेने ही नहीं देंगे, अगर लेनी हो तो थोड़ी सी दूर लीजिएगा। दूर के लिए क्या साइन आ गया, ये वाला साइन आ गया, इसके बीच में ये साइन आ गया, तो यानी ये साइन आपको प्रॉपर्टी थोड़ा दूर करवाएगा, या जिला चेंज करके या डिस्ट्रिक्ट चेंज करके या स्टेट चेंज करके आप ले सकते हो। तो गांव के पास वाली ज़मीन पर आपको नहीं जाना, वो नहीं चाहते कि आप वहाँ पर आए, पहली बार। ये साइन के बीच में ये साइन भी तो आया हुआ है, बच्चे की शादी चाह रहे हैं ये, ऐसी पोजीशन पर शादी नहीं करनी चाहिए, ऐसी पोजीशन पर शादी नहीं करनी चाहिए, याद रख लीजिएगा। इस समय मैं रोक रहा हूँ आपकी लाइफ में, समय दे रहा हूँ 60 से 61 साल, 60 से 61 साल पर बच्ची की शादी नहीं होनी चाहिए, 61 साल एक महीने के बाद हो सकती है, ठीक है, पहली बात। इस जगह पर आपका बच्चा जो होगा वो नौकरी चेंज करेगा, इस जगह से आपने अगर काम करा तो यहाँ तक काम में दिक्कत आ जाएगी, और ये बच्चा जो है आप पीआर कहते हो तो पीआर तो इसके बाद ही होगी उसकी, ये देखो पीआर तो इसके बाद ही होगी, और आपने भी विदेश जाना है, क्योंकि ये रेखा जो बनी है ये आपकी विदेश की रेखा बनी है, यहीं से डेवलप हो रही है, तो आपने भी जाना है, यानी बच्चे से रिलेटेड आगे अगर आप चाहते हो तो वो भी जाओगे। अब देखो इस पर कुछ साइन हैं जो कि ये प्रॉपर्टीज़ हैं, ये प्रॉपर्टीज़ के नाम पर करनी है, ये प्रॉपर्टी, ये सब प्रॉपर्टी है नाम पर करनी है, अगर ये बातें बाइफरकेट ही नहीं हुई तो आपको कैसे पता लगेगा कि इनके मतलब क्या है, इन इन इनके मतलब क्या हैं, इन प्रॉपर्टीज़ के मतलब क्या हैं। देखो ये तो बना हुआ है, अच्छे अच्छा समय है, ये तो समय, ये प्रॉपर्टी का समय है, ये 68 है, यानी यहाँ तक आपकी पुरानी प्रॉपर्टी भी मुझे लग रहा है मिल जाएगी, और उस बच्चे का पीआर भी हो जाएगा। मैं आपको डायग्राम पर दिखाता हूँ, आपको पता है ये साइन मैंने जो आपके हाथ में देखा था इसका क्या मतलब है, ये साइन पहले दिखाता हूँ, इसके साथ एक प्रॉपर्टी का साइन दिखाता हूँ, पहले मैं दिखाता हूँ इनके मतलब क्या है। ये छोटा सा ट्रायंगल बना हुआ है, इसका मतलब क्या है, यहाँ से मैंने बोला था ना 21 से आपकी जॉब, ये बोला था ना 20 तक मैंने स्टडी और उसमें कोई दिक्कत आएगी, ये कहा था ना, ये साइन क्या है पहले दिखा देता हूँ, कोई मैं खुद नहीं बनाता। ये पतला सा आपको आइसलैंड दिख रहा है, ये पतला सा, ये रेखा जो दिख रही है ये, इसके बाद ये प्रॉपर्टी का साइन दिख रहा है, दिख रहा है, ये ही है, और उसके बाद देखो ये ट्रायंगल्स और ये ट्रायंगल्स, यानी 17-18 में इनकी जॉब, इनकी स्टडी में दिक्कत,
यहीं पर पिताजी को कुछ हुआ है, यानी या तो रिटायरमेंट हुई है या कुछ हुआ है, लेकिन यहाँ दिक्कत थी। किसका कारण? इसके साथ था, यानी जहाँ रह रहे थे वहाँ से हटकर इस जगह पर आए होंगे 19 साल पर। ये था मेन चक्कर, दिखाता हूँ जरा देखो ये क्या है। 16 से 17 पर एक जिस जगह रह रहे हो, 17 से 18 साल पर पिताजी से रिलेटेड और स्टडी में दिक्कत आ जाएगी, 19 पर यही रेखा टच थी, ये वाली आपकी आपकी प्रॉपर्टी हो जाएगी, 19 से 20 में एक पेपर रह जाएगा, ठीक है, यहाँ के बाद एक जॉब लगेगी, ठीक है, ये जॉब लग गई आपकी, 23 में जॉब में दिक्कत आएगी, लेकिन ये ट्रेंगल की वजह से बच जाओगे, यहाँ पर 23.5 में बहन को कोई दिक्कत आएगी, 24 में ये एक रेखा है आपकी जॉब यहाँ पर ठीक हो गई। अब इस जगह पर यहाँ पर मैंने क्या लिखा, लोन या समथिंग यहाँ पर ये, और उसके बाद ये जो है 26 साल के करीब करीब में आपकी पोस्टिंग हो जाएगी, दूसरी जगह पर हो जाएगी। अब मैंने यहाँ पर लिखा ये जो आपके विवाद शुरू हो गए थे घर पर, ये 24 में भाई से रिलेटेड कुछ हुआ और उसने प्रॉपर्टी पर कुछ कर लिया, यानी ये वाली सारे जो साइन है घर की प्रॉब्लम्स को इंडिकेट कर रहा है। फिर आप जहाँ रह रहे थे आपने थोड़ा सा अलग वहाँ पर रहना शुरू करा, ये जैसे ही ट्रेंगल आए ये प्रॉपर्टी होती है, 31 से 32 साल के बीच में एक प्रॉपर्टी ली आपने, मैंने ऊपर ही देखकर समझ गया था ये प्रॉपर्टी है, ये सारी चीज़ें चल रही हैं, और यहाँ मैंने बोला 32 से 34 साल के बीच में ये जो ट्रेंगल को देखकर कि आपकी पोस्टिंग हो जाएगी, आपको वहाँ दिक्कत आ रही थी, ये वो है। ये जो साल जो 36 साल, ये जो 34 से 35 साल पर आपको जॉब में दिक्कत आई होगी, 36 से 37 साल के बीच में आइसलैंड है, मैंने हेल्थ प्लस भाई प्लस पापा को कह दिया। ये 37 साल के बीच में इससे पहले पहले इस जगह पर ये क्या है, लोन लिया होगा 32 साल पर आपने, ठीक है, या हेल्थ प्रॉब्लम आई होगी, 35.5 में 34.5 में भी हेल्थ प्रॉब्लम आई है, ठीक है। 37 साल पर कोई FD से रिलेटेड होगा, भाई से रिलेटेड कोई परेशानी आई होगी, यानी उसको उसने कोई दिक्कत डाली होगी, ये वो है साइन। फिर मैंने कहा कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, देखो ये क्या है, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड 43 साल पर, ये एक प्रॉपर्टी थी जिसे मैंने कहा सेल करना, ये सेल नहीं है, ये क्या हुआ कि जिसके एक तो छज्जा गिरा, किराए पर दे रखी थी तो वो किराएदार ने भी पैसे नहीं दिए, तो प्रॉपर्टी में दिक्कत या सेल हो गया ना, ये देख रहे हो, तो पिक्चर सही नहीं हो तो समझने में दिक्कत आती है कि ये क्या चीज़ें चल रही हैं, लेकिन समझ आ जाता है ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। 48 जॉब में आपको थोड़ी सी बस बड़ी है, लेकिन इसका संबंध इसके साथ है, तो ये क्या हुआ आपका कि यहाँ सैलरी बढ़ गई आपकी, ये एक प्रॉपर्टी है 49 साल में, ये शायद हो सकता है किराए या उससे रिलेटेड कोई दिक्कत आई हो, यहाँ पर वो चीज़ें इंडिकेट कर रही है। अब ये जो मैंने साल लिखा 48 के बाद लिखा, इसका क्या मतलब है कि आपके भाई बहनों से रिलेटेड 48 साल के बाद आपका मन खट्टा हो गया था, इसका मतलब ये है, ठीक है। ये गाँव की एक प्रॉपर्टी थी, यहाँ भाई की डेथ हो गई और मैंने यहाँ पर लिखा 53 साल पर जो है कोई बीमार भी पड़ेगा, एक प्रॉपर्टी होगी, तो उसकी वाइफ ने ये कमरा बंद करके चली गई, ठीक है, यही प्रॉपर्टीज के बारे में आप जो जानना चाह रहे थे। अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, आपने क्या करा 55-56 पे कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें शुरू करी, जो कंस्ट्रक्शन या कोई चीज़ करी, 55 पे बेटी को कोई दिक्कत आई होगी, इसके बाद जो है किड लिखना शुरू कर दिया, तो मैंने लिख दिया कि ये 57 पर और 58 के बीच में बच्चा चला जाएगा, वो जगह चेंज करेगा, पहली बात। इस 58 पर आपकी बच्ची को अपनी वो क्या चेंज कर ली, स्टडी चेंज कर ली, ठीक है, मैंने कहा लाइन चेंज कर लेंगी। अब यहाँ से लेकर ये जो ट्रेंगल बना दिया है, इसका मतलब क्या बनता है, समझ लो आपने एक प्रॉपर्टी लेनी है, जो मैं कह रहा हूँ ये प्रॉपर्टी जो थी, इन लोगों ने क्या करा आपकी वो प्रॉपर्टी को 57 से 58 पर ये क्या करा, इस जगह पर दो मतलब हैं इसके, एक तो आपकी गाँव वाली प्रॉपर्टी है, उस पर कुछ ना कुछ वर्किंग करके बनाया, एक आपका फ्लैट होना चाहिए या कुछ होना चाहिए जो कि 60 साल तक अभी क्लियर नहीं होगा, उसके बाद होगा। अगर इसका तीसरा मतलब ये है कि जो आप गांव में प्रॉपर्टी देख रहे हो 59 पर, उसमें 60 में ये लोग नहीं चाहते कि आप आओ, तो को तीनों चीज़ें मैच हो रही हैं यहाँ पर,
और तीन तीन एक्टिविटी हो रही हैं। एक एक्टिविटी वो थी जो गांव में उन लोगों ने क्या करा, अपने नाम पर प्रॉपर्टी करा दी। दूसरी एक्टिविटी ये थी कि आप एक प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हो गांव के आसपास कर रहे हो, वो था कि ये लोग बनने नहीं देंगे। तीसरा था कि एक आपकी बिल्डर जो है वो रेनोवेशन करके सारी चीज़ें कर रहा है, क्या वो कंप्लीट होगा? तो 60 साल के बाद होगा, पहली बात। ठीक है, अब 60 से 61 साल का मतलब ये प्रॉपर्टी परचेस करना है, आप गांव पे मत करना, उसके आसपास कर लेना। इसका मतलब बच्चों के साथ ऊपर जुड़ा हुआ है कि आप 60 से 61 साल के बीच में अगर बच्ची पढ़ाई करना चाहती है तो उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, अगर नौकरी चाहती है तो मिल जाएगी, थोड़ी दूर मिलेगी, लेकिन शादी मत करना क्योंकि ये काला साइन है। ठीक है, अब आपका बच्चा जो है 61 साल पर थोड़ा सा चेंज करेगा। ठीक है, आना जाना आपका यहाँ पर 62 साल पर। अगर मैंने लिखा कि अगर आप जो अपनी बिजनेस करते हो तो आपको दिक्कतें आएंगी। 63 साल का मतलब क्या है कि ये जो बच्चा है 63 साल तक एक जगह पर रहेगा, लेकिन मैंने लिखा है इसके बाद ही आपकी लाइफ में आपका बिजनेस और बच्चे से रिलेटेड लोन लेकर सारी चीज़ें, और यहाँ पर मैंने लिखा है कि विदेश की रेखा आपकी भी 64 से 65 में विदेश की रेखा बनी है, यानी बच्चे का जो पीआर है वो 63 साल से पहले नहीं होगा। अब मैं क्या कह रहा हूँ, जो वहाँ जाकर कोई एक प्रॉपर्टी परचेस करेगा जिसमें आप लोग भी इन्वॉल्वमेंट होगी, आपकी कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो कि फंसी हुई है, वो समझ लीजिए ये है वो समय 65-66। ये जो नीचे ट्रायंगल बने हैं ना, इनके मतलब ये होते हैं कि कोई प्रॉपर्टी मिलेगी। तो ये जो मैंने यहाँ पर आपके साइन बनाए हैं, यहाँ से 67-69 प्रॉपर्टी बनाए, यहाँ तक आपकी वो जो बैलेंस वाली प्रॉपर्टी जिसमें भाई और की डेथ हुई थी और रह रहा था और उसकी वाइफ बंद करके चली गई, ये भी मुझे क्लियर होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन ये बच्चों के नाम पर जानी चाहिए, कोई ना कोई प्रॉपर्टी बच्चों के नाम पर जाना चाहिए, यानी आपको 67-68 तक बच्चे का पीआर भी कंप्लीट। उसकी वहाँ पर मैंने लिखा है कि आपका घर वगैरह उसका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर साइन बनते हैं तो इनके मतलब होते हैं डॉक्यूमेंटेशन या किसी के नाम पर करना। तो बच्चों के नाम पर तो कर ही रहे हो, आपको कोई पैसों की ज़्यादा दिक्कत तो नहीं आएगी आपके काम में। हाँ, मैं इतना कह सकता हूँ कि 63 के बाद ही करना, उससे पहले करोगे तो यहाँ पर 63 तक आपको दिक्कत का सामना करना ही पड़ेगा। घर बता चुका हूँ, थोड़ा सा दूर जाकर। ठीक है, ये जिला चेंज हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट हो सकता है, गांव से थोड़ा सा दूर हो सकता है क्योंकि ये आइसलैंड आया हुआ था, इसलिए बच्चे जो हैं 62 साल से बहुत तरक्की करेंगे, मैंने ये लिखा है। ठीक है, और उसके बाद जो बच्चे का जो फ्यूचर जो होगा वो सिक्योर होगा, वो यहाँ से होगा, आप उनकी मदद करते हुए जाओगे, ये आपके हाथ में पता लग रहा है। ठीक है, कोई भी काम मुर्गी पालन का नहीं करना है, 63 साल से कीजिएगा, करना हो तो 63 से करना, 63-64 ठीक रहेगा, 65 में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, 66-67 फिर ठीक होगा, यानी मैंने ये लिखा है। और जहाँ पर मैंने आपको ये साइन बना कर दिए हैं, इनका मतलब होता है यहाँ पर इसके बाद चेंजिंग, यहाँ चेंजिंग का मतलब है प्रॉपर्टी आ गई, चेंजिंग कर रहे हो यहाँ पर बच्चे का वो। ठीक है, पीआर से रिलेटेड यहाँ पर हेल्थ प्रॉब्लम 69 पर। ठीक है, और उसके बाद मैंने लिखा है 72 पर, एक साइन नहीं आया, वैसे मैं बता देता हूँ वो आइसलैंड था, 72 पर कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहोगे कम दाम पर बिकेगी, 73 पर आपकी हेल्थ प्रॉब्लम से रिलेटेड रहेगा। तो मेजर आपको अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी काम नहीं शुरू करना, एक लड़की है, लड़की की शादी नहीं करनी 60 से 61 साल के बीच में, लड़का है वो 61 साल पर जॉब चेंज करेगा, और उसके बाद मैंने लिखा है 63 साल तक वो हो सकता है कि वो वहाँ पर उसकी पीआर ना हो, 63 के बाद ही उसकी सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, और आप भी 64-65 पर मैंने, मुझे लग रहा है कि आप भी जाओगे, उसके बाद भी मुझे लग रहा है जाओगे, और आपकी एक प्रॉपर्टी है 68-69 तक मैंने लिखा है कंप्लीट हो जाएगी, और किसी के नाम पर चीज़ें करनी है वो आपकी 66-67 साल से ही शुरू हो जाएगा, यानी यहीं पर सारी चीज़ें फंसी हुई हैं, जो फंसी हुई प्रॉपर्टी हैं वो निकलेगी आपकी। ठीक है, ये है आपके हाथ का विश्लेषण, और इसमें उपाय जो हैं आपको कौन से करने हैं, या एक तो गुरु का उपाय है और एक आपका सूर्य का उपाय है। देखो, गुरु और सूर्य ही अपॉर्चुनिटीज़ में भी दिक्कत लाता है, आपके गुरु परिवार से रिलेटेड होता है उसमें भी दिक्कत लाता है। अब ये रेखा मंगल थी, ये किस लिए आई थी, ये प्रॉपर्टी को बचाने आई है, ये दिलवाएगी, अगर ये नहीं होगी तो ये दिले मिलेगी भी नहीं, तो कोई बॉक्स बनता है, कोई ट्रायंगल्स बनते हैं, तो वो चीज़ें मिलती भी हैं। तो बेटर है कि आपको सूर्य और
और गुरु का उपाय लेते रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।